अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कि रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, क्योंकि हमने डिसीजन ट्रीज के अंदर क्लासिफिकेशन ट्री और रिग्रेशन ट्री को देख लिया हुआ है। तो हमने ट्रीज की बात कर ली है, तो अब हमें रैंडम फॉरेस्ट की तरफ जाना है और अब हम उसको मजीद तरीके समझ सकते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट पर जाने की जरूरत क्यों पेश आएगी। चलें शुरू करते हैं। हमने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स देखी हैं क्लासिफिकेशन ट्री में और रिग्रेशन ट्री में, यानी कि मुश्तरका तौर पे जो डिसीजन ट्री में हमने एग्जाम्पल्स देखी हैं उसके अंदर हमने देखा था कि ओवरफिटिंग का मसला आ जाता है और उसको हम किस तरह हल कर सकते हैं। लेकिन एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो डिसीजन ट्री के अंदर हमें नज़र आ रहा होता है वो इन एक्यूरेसी का होता है, जिसको हम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम इसको सॉल्व कर पाए। इसलिए डिसीजन ट्री की जो एक्यूरेसी होती है वो कभी हमारे पास डेटा की जो भी नौीयत होती है उसमें हम उसको हम इतना रिलायबल नहीं समझ सकते। इसलिए जो उसकी इन एक्यूरेसी वाली चीज़ है उसके लिए हम लेकर आते हैं रैंडम फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट, और हम आज ये देखेंगे कि हम रैंडम फॉरेस्ट किस तरह बनाते हैं और जो उसकी इन एक्यूरेसी वाला पॉइंट है वो किस तरह हम रैंडम फॉरेस्ट के थ्रू उसको कैटर कर सकते हैं। शुरू हम करते हैं कि हम रैंडम फॉरेस्ट बनाएंगे किस तरह। अब मेरे पास स्टेप वन क्या होता है, वो होता है बूटस्ट्रैपिंग डेटा सेट मुझे बनाना है। यानी मेरे पास एक डेटा सेट मौजूद है कि एक मेरे पास पेशेंट आया है, उसको चेस्ट पेन है, उसको गुड सर्कुलेशन उसकी है या नहीं है, उसकी ब्लॉक आर्टरीज हैं या नहीं है, उसके मुताबिक हम उसको ये बताते हैं कि वो हार्ट डिजीज उसको है या नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेप मेरे पास क्या होगा, जब भी मैंने रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर जाना है तो मुझे बूटस्ट्रैप डेटा सेट चाहिए। अब बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है उस पर हमने तफसील से बात की हुई है और उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस की प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाकर उसको ज़रूर देखें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि बूटस्ट्रैपिंग क्यों होती है, यहाँ पर मैंने उसको किस तरह किया। ठीक है, जब मैंने बूटस्ट्रैपिंग डेटा सेट बना लिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर चार डेटा वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और मैंने इसको छोटा रखा है इसलिए ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। ऑब्वियसली जब आप किसी भी डेटा सेट पर काम करेंगे वो चार तो नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, जाहिर सी बात है। अब आप इतने अच्छे डेटा साइंटिस्ट तो बन चुके हैं कि आपको पता है कि डेटा का साइज़ कितना होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, मैंने बूटस्ट्रैप डेटा बना लिया है और क्योंकि डेटा का साइज़ चार था इसलिए बूटस्ट्रैप डेटा का साइज़ भी चार है, और बूटस्ट्रैप डेटा के अंदर इस बात की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपका एग्जैक्टली डेटा मैच करता हो आपके डेटा के साथ, आप किसी भी रो को दोबारा से उठाकर अपने डेटा के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उसी तरीके से एक बूटस्ट्रैप डेटा बना लिया, उसके अंदर मैंने वही चीज़ें रखी हैं जो एक बूटस्ट्रैप डेटा के अंदर होनी चाहिए। उसका डेटा का साइज़ उतना ही होना चाहिए जितना ओरिजिनल का है और उसकी रोज को हम दोबारा से लेकर आ सकते हैं। अब आपने मुझे बताना है कि विद रिप्लेसमेंट डेटा होता है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट डेटा होता है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है कि मैं इस डेटा को जो मैंने बूटस्ट्रैप डेटा लिया था उसको अब मैं डिसीजन ट्री में कन्वर्ट कर दूँ। अब डिसीजन ट्री हम किस तरह बनाते हैं वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आपने पिछली दो वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देखा है हम क्लासिफिकेशन ट्री रिग्रेशन ट्री किस तरह बनाते हैं। और इसके एंड पर एक आपको और बोनस टिप भी मिलने वाली है कि अगर मुझे डिसीजन ट्री बनाना है तो उसका हमें किस पॉइंट से रूट नोड कौन सा रखना है वो किस तरह हम डिसाइड कर सकते हैं वो भी मिलने वाली है। एनीवेज, हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे रूट नोड पे कौन सा रखना है, यहाँ पे मैंने गुड सर्कुलेशन लिया है, उसके बाद मैंने एक पूरा डिसीजन ट्री बना लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, पहला स्टेप क्या था क्या था तो आपने कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है, और दूसरा स्टेप मेरे पास ये था कि मैंने डिसीजन ट्री बना लिया उस डेटा का। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है, तीसरा स्टेप असल में ये है कि पहला और दूसरा स्टेप आपने रिपीट करते जाना है। कितनी दफ़ा करना है, यूजुअली हम जो कन्वेंशन लेते हैं वो 10,000 वैल्यूज़ की लेते हैं, यानी कि इस प्रोसेस को 10,000 दफ़ा आपने रिपीट करना है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको हाथ से या मैनुअली नहीं कर रहे होते, कंप्यूटर को हम इस्तेमाल करते हैं और हम 10,000 तकरीबन वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। अब ये कन्वेंशन 10,000 क्यों है और आपकी फील्ड में ये तब्दील भी हो सकती है, तो आपने उसको अपनी फील्ड के मुताबिक जो एक थ्रेशहोल्ड है उस पर लेकर चलना है, उस हवाले से आपने उस चीज़ को रिपीट करते जाना है। जितना आप रिपीट करेंगे उस हवाले से आपके पास क्या हो जाएगा, रैंडम फॉरेस्ट बन जाएगा। फॉरेस्ट क्या होता है, जंगल, जंगल में क्या होता है, मुख्तलिफ दरख्त। ठीक है, हमने क्योंकि डिसीजन ट्रीज बनाए थे, दरख्त बनाए थे मुख्तलिफ लेवल पर, अब 10,000 जब वो दरख्त बन जाएंगे तब वो जंगल बन ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह कम थी, 10,000 यहाँ पे वो ज़्यादा जंगल बनना बन जाना था तो आपको समझ नहीं आनी थी। इसे यहाँ पे मैंने सिर्फ चार शो किए हैं, इसका ये मकसद नहीं है कि सिर्फ चार बनाने हैं, आपके कन्वेंशन जो है मैंने जैसे 10,000 कहा था उस हवाले से आपने उस थ्रेशहोल्ड को चलाते रहना, उतने आपने जो डिसीजन ट्रीज हैं वो बना लेने। ठीक
जब वो बन जाएंगे तो वो आपका पूरा एक रैंडम फॉरेस्ट बन जाएगा, जहां तक बात होगी खत्म। अब आपने बना लिया रैंडम फॉरेस्ट, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रैंडम फॉरेस्ट अच्छा काम कर रहा है या नहीं? जाहिर सी बात है, प्रिडिक्शन करेंगे तो ही पता चलेगा। अब मेरे पास एक आया है बंदा, उसका चेस्ट पेन यस, गुड सर्कुलेशन नो, ब्लॉक्ड आर्टरीज नो। अब मुझे ये प्रेडिक्ट करना है कि उसको हार्ट डिजीज है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम जितने भी डिसीजन ट्रीज बनाए हुए थे, यानी कि जो भी मेरे पास रैंडम फॉरेस्ट अब आ चुका हुआ है, अब मैंने ये जितने भी इंफॉर्मेशन है, यस चेस्ट पेन की, नो गुड सर्कुलेशन की, नो ब्लॉक्ड आर्टरीज की, वो हर एक ट्री में से गुजारनी है और वहां से मुझे एक आंसर मिलेगा। ठीक है, आंसर मिलेगा हार्ट डिजीज के वजह से कि वो यस है, नो है, ये क्या है। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास चार ट्रीज मौजूद थे और मैंने देखा कि जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन हर एक ट्री को दी है तो मेरे पास ज़्यादातर वोट आए हैं यस और एक वोट आया नो का। तो हम वोटिंग करेंगे, जो ज़्यादा हमारे पास आंसर होगा, जिसका वोट ज़्यादा होगा, वो हम इवेंचुअली यहाँ पर लिख लेंगे कि वो हमारे पास फाइनल प्रेडिक्शन है। अब यहाँ पर जो इनएक्यूरेसी वाली चीज़ थी, हम उसको कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से उसको कैटर कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, जो बूटस्ट्रैप डेटा था उसमें से हमने ट्रीज बनाने शुरू कर दिए और उसमें से हमने जब वोटिंग किया, एग्रीगेट कर लिया उस सारे स्टेप को, तो हम ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये कहलाता है बैगिंग का स्टेप। ठीक है, इसकी टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या है, इसको हम बैगिंग कहते हैं। ठीक है, और अक्सर बात ये भी होता है कि जब हम बूटस्ट्रैप डेटा को लेकर आते हैं और उसमें से कुछ वैल्यूज, आपको पता है कि रोज हम सारी वैल्यूज बूटस्ट्रैप डेटा में नहीं लेकर आते, कुछ ऐसी रोज होते हैं जो स्किप हो जाती हैं और उसकी वजह से कुछ ऐसा हमारे पास फाइनल रिजल्ट हो सकता है जो कि सही ना हो। फॉर एग्जांपल, इस प्रोसेस में लेट्स से कि चेस्ट पेन थी, गुड सर्कुलेशन नहीं था, ब्लॉक्ड आर्टरीज नहीं थी और इवेंचुअली उसको हार्ट डिजीज नहीं है और हमने यहाँ प्रेडिक्ट कर दिया है कि उसको हार्ट डिजीज है फॉर एग्जाम्पल। तो ये किस वजह से होता है, ये अक्सर उस वजह से हो जाता है जब हमने बूटस्ट्रैप डेटा के अंदर वो रोज नहीं आई हमारे पास जिसको आना चाहिए था, जो जिससे हमें ये रिफ्लेक्शन होनी थी, जो हमारी सही प्रिडिक्शन होनी थी। ये बहुत रेयर केस होता है क्योंकि हम जब बहुत दफ़ा बूटस्ट्रैप डेटा कर रहे हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रीज बन रहे हैं तो इसकी चांसेस बहुत कम से कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एरर के चांसेस तो होते हैं। उस एरर को हम कहते हैं आउट ऑफ बैग एरर। तो उस एरर को जब हम देख रहे होते हैं तो हम उस हवाले से कह देते हैं कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी, ये एरर के चांसेस हैं वो किस तरीके से ऊपर या नीचे फॉल कर रहे हैं। और ये जो आउट ऑफ बैग एरर है, ये हमें इस चीज़ में भी डिसाइड करने पे मदद देता है कि हमने रूट नोड कौन सा लेना है। क्योंकि हम मुख्तलिफ जब शुरू करते हैं रूट नोड रखने का, डिफरेंट दो से तीन वेरिएबल्स हम लेकर चलते हैं, तो हम उसका हर स्टेप आउट ऑफ बैग एरर भी चेक कर देते हैं। तो जिसका आउट ऑफ बैग एरर कम आता है हम उसको रूट नोड पे रखते हैं और फिर आगे स्प्लिटिंग कर रहे होते हैं। तो ये एक बोनस टिप थी जिससे हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम इवेंचुअली रूट नोड या इवेंचुअली कौन सा वेरिएबल है जिसको लेकर हम मजीद काम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये मुझे ये भी बताना है कि जब हम बूटस्ट्रैप डेटा कर रहे थे तो कौन सा रो ऐसी थी जिसको मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया बूटस्ट्रैप डेटा में जब मैंने उसको बनाया, तो ये एरो जो है वो किस रो में आना चाहिए था। ठीक है, ये आपको काम है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।